लालची दूध वाला चंदन दास दूध का व्यापार करता था। उसके पास 6 भैंसें थी, उनमें से एक चमत्कारी भैंस भी था, उसका नाम लक्ष्मी था। वो बात भी करती थी। दास और लक्ष्मी अक्सर बात करते रहते थे। पूरे गांव में कोई दूसरा दूध वाला नहीं रहने के कारण चंदन दास अकेला ही घर घर जाकर दूध बेचता था। दास बहुत ईमानदार आदमी था। पत्नी समंता झगड़ालू औरत थी। जब से शादी करके घर आई उसी क्षण से झगड़ने लगी थी। एक बार समंता 6 भैंसे रखकर भी शुद्ध दूध बेचते हुए साधारण जिंदगी जीने वाले सिर्फ तुम ही हो। मेरे गांव में बहुत से दूध वाले 2 भैंसों से शुरू करके सिर्फ 4 सालों के अंदर ही डेयरी फार्म खोलकर बंगला खरीदे, मगर तुम किसी काम के नहीं हो। लीटर दूध में 1.5 लीटर पानी मिलाना नहीं आता। बीवी को गहने खरीदना है कहकर कभी नहीं सोचते। मेरे फूटे कर्म जो मुझे सत्य हरिश्चंद्र मिला। बोली दास बीवी को कुछ कह नहीं पाया और भैंसों की भाड़ा के पास जाकर लक्ष्मी से, लक्ष्मी देखे ना, समंता की बातें समझ आई ना। उसके गांव में दूध वाले पानी मिलाकर जैसे पैसे कमा रहे हैं, मुझे भी वैसे करने को बोल रही है, कहकर दुखी हुआ लक्ष्मी। तब जाने दो दास, इस कलयुग में तुम्हारे जैसे ईमानदार लोगों का जीना मुश्किल है। तुम्हारे बीवी के बातें नहीं सुने तो वो तुम्हें ठीक से खाना भी नहीं देगी। अभी के लिए वो जैसे कहती है वैसे करो, समय आने पर समंता को सबक मिलेगा, कहकर उसे दिलासा दी। उस दिन से दास उसके घर में के पानी के पंप के नीचे दूध का घड़ा रखकर दूध में पानी मिलाकर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में सभी को उसके मिलावटी दूध के बारे में पता चल के उसे गाली देने लगे, मगर उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहने के कारण उस मिलावटी दूध को ही पीने लगे। एक बार गांव वाले सब मिलकर स्कूल टीचर अरविंद स्वामी के घर में समावेश हुए। सालों से हमें शुद्ध दूध बेचने वाले दास को अब क्या हुआ पता नहीं, आदमी बदल गया है। लीटर दूध लिए तो उसमें सिर्फ पानी ही पानी है, कहा। तब देवी नाम की एक महिला, हमें ही इसका कुछ न कुछ समाधान सोचना होगा। परसों मिलावटी दूध के वजह से मेरे बेटे को डायरिया हुआ, कहकर दुखी होकर बोली। परशुराम नाम का एक युवक तब शहर में वासुदेव नाम का मेरा दोस्त डेयरी फार्म चला रहा है, उसे यहाँ पर एक ब्रांच खोलकर दूध का व्यापार करने के लिए मनाऊंगा, शुद्ध दूध डालने के लिए भी बोलूंगा, कहा अरविंद स्वामी तब। वेरी गुड वेरी गुड, हमें भी शुद्ध दूध मिलेगा और उस दास को सबक मिलेगा, कहा। ऐसे वासुदेव नाम का एक व्यक्ति परशुराम के घर को आया। वो परशुराम से, इस गांव के लोगों के जरूरतों के लिए कम से कम 5 या 6 भैंस चाहिए। फतेहबाद जाकर वहां मिलने वाले मुर्रा भैंसों को खरीदकर यहां डेयरी खोलने के लिए कम से कम 1 महीना तो लगेगा। वो मुर्रा भैंस अच्छे नस्ल के हैं। एक एक भैंस दिन में कम से कम 40 लीटर तक दूध देगी, कहा परशुराम तब। क्या 1 महीना? यूं कह रहा था तभी दास दूध डालने के लिए उनके घर आया। परशुराम दास से, दास ये शहर में बहुत अच्छा दूध का व्यापारी है। थोड़े दिन पहले तुम भी अच्छे दूध के व्यापारी थे, मगर लालच के चलते तुम इस गांव में सबको मिलावटी दूध बेच रहे हो, कहकर हम सब इनके हाथों यही डेयरी फार्म शुरू करवा रहे हैं, इसलिए ये भैंस खरीद रहे हैं, कहा। ये सुनकर दास दंग हो गया और परशुराम साहब, ये मिलावटी दूध बेचने के लिए मेरी बीवी ही मुझे सता रही है साहब, वो झगड़ालू है। मेरा व्यापार गया तो भी चलेगा, मगर गांव वाले मुझे गाली दे रहे हैं, ये मैं सह नहीं पा रहा हूँ। फांसी डालकर मरने के अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं है, कहकर रोने लगा। ये देखकर परशुराम को बुरा लगा। परशुराम तब, घबराना मत, तुम्हारे बीवी को सबक सिखाना हो तो मेरे कहे जैसे करो, कहकर क्या करना है उसे बताया। अगले दिन सुबह परशुराम और अरविंद स्वामी वासु को लेकर दास के घर जाकर देखे तो दास की पत्नी समंता दूध का घड़ा पंप के नीचे रखकर पानी भर रही थी। समंता अचानक उन्हें देखकर झट से पंप को बंद करके, ओ जी तुम्हारे लिए लोग आए हैं, कहकर दास से बोली। दास तब, साहब जी ऐसे आए क्या? बोले तो मैं ही आता था ना, कहा। परशुराम तब, ये शहर से भैंस खरीदने आए हैं। गांव में सब तुम्हारे भैंस गाढ़ा दूध देती है कहकर बोले तो एक एक भैंस को 2 लाख रुपए देकर खरीदने के लिए आए हैं, कहा। ये सुनकर समंता, क्या 1 भैंस को
लाख रुपए, यानी 6 भैंसों को 12 लाख, कहकर दास से बेच दो बोली। मगर दास, इनका दाम उतना नहीं होगा जी, और ऊपर से आजकल ये पानी वाला दूध दे रहे हैं, इन्हें बेचकर मैं आपको धोखा नहीं दे सकता साहब, कहा। तब समन्ता, साहब ये झूठ कह रहा है साहब, एक एक भैंस दिन में 30 लीटर शुद्ध दूध देती है, बोली अरविंद स्वामी। तब ये क्या दास, तुम्हारी बीवी ऐसे बोल रही है, पिछले 2 महीनों से इनके भैंस के दूध में सिर्फ पानी ही है, कहा। वासुदेव तब, देखने के लिए हट्टे कट्टे तो हैं, ये पानी वाला दूध दिए तो मैं इन्हें क्यों खरीदूंगा, मैं नहीं खरीदूंगा, कहा। समन्ता तुरंत, नहीं साहब, कभी कभार ये कलमुही भैंस ज्यादा पानी पी लेते हैं, तभी पानी वाला दूध देती है, इनके दाने में पानी बिल्कुल मत डालना, तब गाढ़ा दूध आएगा। यूं कहने लगी तो लक्ष्मी को गुस्सा आकर, क्यूरी हमें कलमुही कहोगी, कहकर भागते हुए आकर समन्ता को सींग से मारी। समन्ता तब, बाप रे, कहकर पुकारते हुए पंप के नीचे मौजूद घड़े पे गिर गई। घड़े में का सारा दूध गिर गया। तभी बाहर से एक ऑफिसर और एक लेडी कांस्टेबल आए। लेडी कांस्टेबल समन्ता को कसकर पकड़ी। वो ऑफिसर उन लोगों से, मैं खाद मिलावट निरोधक डिपार्टमेंट ऑफिसर हूँ, ये औरत अपने मर्जी आए जैसे दूध में पानी मिला रहे कहकर पता चला है, जब से ये पंप के नीचे घड़ा रखी तब से हमने वीडियो निकाला, कांस्टेबल इसे जीप में चढ़ाओ, कहा। जिद कर रहे समन्ता को वो कांस्टेबल ले गई। परशुराम ऑफिसर से हाथ मिलाकर, थैंक यू ऑफिसर, मेरी बात सुनकर सही समय पर आए हैं, कहा। तो वो, इट्स माय ड्यूटी, कहकर दास के कंधे पे थपथपाकर, दुखी मत हो, 2 हफ्ते जेल में रहकर आई तो उसे सबक मिलेगा, कहा।